गाइस आज आपको मैं बताने वाली हूँ प्लैंक का क्या है सही तरीका और क्या आप उसमें बिगेस्ट मिस्टेक करते आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी कोर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पा रही और आपका वहाँ का फैट कम नहीं हो रहा है। प्लैंक बेसिकली आपके बैक पेन को भी दूर करती है, आपके कोर को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है, ताकत बनाती है वहाँ पर, जिससे कि आप नॉर्मली कोई भी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके वहाँ पे पेन होना थोड़ा कम हो जाता है, बहुत नॉर्मल लगता है आपको। और साथ में क्या होता है, प्लैंक करते टाइम हम बहुत तरह की मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वेट हमारा कम नहीं हो पाता। प्लैंक आपके ओवरऑल बॉडी को बहुत अच्छे से टोन करता है। बेसिकली प्लैंक क्या है कि आपकी बॉडी जो है ग्रेविटी की तरफ, यानी जो हमारी जो धरती है, जमीन है, वो अपनी तरफ खींचती है ना। ग्रेविटी का अट्रैक्शन होता है अपनी तरफ, तो हम क्या करते हैं अपनी बॉडी को ऊपर पुल करके रखते हैं, हमें होल्ड करके रखना होता है। यही बहुत बड़ा चैलेंज होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने बॉडी को रखना। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी बॉडी थोड़ी देर बाद पूरी शिवर करने लगती है। बहुत सारे लोग उसको 3 मिनट तक भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग उसको 10 सेकंड भी होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो मिनिमम टाइम आपने अपने आप से रखना है 30 सेकंड्स का, और इसको फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, आपने इसको 3 मिनट तक लेकर जाना है डे बाय डे। और आपको आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे अगर आप प्लैंक करना स्टार्ट कर देंगे ऑल्टरनेटिव डेज में, ठीक है, रेगुलर नहीं, ऑल्टरनेटिव डेज में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लैंक करने में लोग क्या मिस्टेक करते हैं। उससे पहले प्लैंक की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी फोर आर्म्स को यहाँ पर रखें मैट पर, ठीक है, और उसके बाद अपने टोज पर आ जाइए। ये है प्लैंक की करेक्ट पोजीशन। इसमें भी आपने क्या करना है, जब प्लैंक में आना है, ठीक है, चाहे टॉप आपका कितना भी लूज हो, आपने अपने पेट को अंदर खींच के रखना है ना। पेट को आपने बिल्कुल ऐसे स्क्वीज करना है अंदर की तरफ। ये है प्लैंक की करेक्ट पोजीशन। अब बहुत सारे लोग, हम लोग क्या करते हैं प्लैंक करने के टाइम पे अपने पैरों को वाइड कर लेते हैं, ऐसे कंफर्टेबल बना लेते हैं उसको इस तरीके से। ऐसे करने से आपके कोर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी मसल एंगेज नहीं होगी, वहाँ का फैट रिड्यूस नहीं होगा। दूसरे मिस्टेक हम क्या करते हैं हम प्लैंक करने के टाइम, वो भी देख लीजिए। फोरआर्म जैसे हमने ऐसे रखी, हम अपने हिप को ऊपर रखते हैं ऐसे। ये आपकी सेकेंड मिस्टेक है जो आप करते हो। थर्ड मिस्टेक, आप एकदम ड्रॉप कर लेते हो अपने हिप को, अपने पेट को ड्रॉप कर लेते हो, ठीक है। ये हमारी थर्ड मिस्टेक है जो हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। फोर्थ मिस्टेक क्या रहती है हमारी, हम नेक को बिल्कुल टाइट कर लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। आप नेक की मसल को बिल्कुल ऐसे खींच के रखते हो बैक साइड पे, जब आप करते हो आपने नेक को एकदम स्क्वीज नहीं करना, एकदम टक नहीं करना अंदर की तरफ, आपने पेट की मसल को स्क्वीज करना है, ठीक है। तो आपने नेक पे प्रेशर नहीं देना, नहीं तो आपको सर्वाइकल हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें एक और वेरिएशन बताऊंगी प्लैंक में, जो आपके मसल को जल्दी टोन करेगी। और अगर प्रेगनेंसी के बाद आपका पेट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है ना अगर, तो उसको ये बिल्कुल खत्म कर देगी, सैगिनेस जो आपके पेट में आ गई है। आप क्या करेंगे, फोर आर्म्स को इस तरीके से मैट पे रखेंगे, ठीक है, पंजों को ऐसे करेंगे, हिप आपके डाउन ही रहेंगे, आपकी अपर बॉडी ऊपर हो जाएगी, पेट को आपने बिल्कुल अंदर खींचना है। इस पोजीशन में आपने आ जाना है। जब आप इस तरीके से प्लैंक करेंगे तो आपकी मसल ज़्यादा एंगेज होंगी, कोर आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, ताकत मिलेगी उसको, और आपके वहाँ का जो फैट है वो बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा। करके देखना, आपने बैक को ऐसे फोल्ड करना है, हिप को दबा कर रखना है, पेट को अंदर स्क्वीज करना है, इस तरीके से आपकी बॉडी का मूवमेंट रहेगा, लेकिन हिप जो है आपके वो डाउन रहेंगे, ठीक है, करेक्ट पोजीशन में, मतलब बिल्कुल ड्रॉप नहीं करने, अपने ही करने, एक प्रॉपर प्लैंक वाली पोजीशन में रहेंगे, लेकिन आपकी अपर बॉडी ऐसे रहेगी और पेट ऐसा रहेगा। ये आपकी पोजीशन होगी अपर बॉडी की। तो ये वाली पोजीशन में आप प्लैंक करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो गाइज ये था प्लैंक का सही तरीका। एक तो मैंने आपको बताया नॉर्मल प्लैंक जो हम सब करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताई जो आपको अवॉइड करनी है जिससे कि आपको उसका पूरा बेनिफिट मिले। एक मैंने इसमें एडवांस वर्जन बताया है जो यूट्यूब पे आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा, कि जो अपनी बैक को हम इस तरीके से फोल्ड रखने हैं, ये पोजीशन अपने बैक की रख रहे हैं, तो इससे आप नोटिस करना जो नॉर्मल वाले प्लैंक से, ये वाला प्लैंक आपको ज़्यादा आपके इस एरिया में लोड देगा, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा आपकी मसल बहुत एंगेज हो रही है, बहुत
बहुत पेनफुल लगेगा, बट ये आपके पेट की मसल को बहुत ताकतवर बनाएगा, स्ट्रेंथ देगा। तो बहुत अच्छा तरीका है प्लैंक का। ऐसी अगर आप चाहते हैं कि मैं और एक्सरसाइजेस की भी मिस्टेक्स आपको बताऊं कि आप पोजीशन क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही होनी चाहिए, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। ऐसे ही कुछ नया लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती रहूंगी। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है @ishraamehra। और वीडियो थोड़ा सा पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।